पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकियों का समर्थन कर रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान ने अमेरिका के राजदूत को समन भेजा, वो भी सिर्फ इसलिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दी। बता दें कि लादेन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन जैसा खूंखार आतंकी पाकिस्तान में छिपा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं बताया। लादेन ने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकी हमला करके सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली। हालांकि ओसामा मारा जा चुका है, लेकिन ये बहुत पहले हो जाता अगर पाकिस्तान ने आतंकी ओसामा को छिपा कर रखा नहीं होता। ट्रंप ने ये बात एक ट्वीट के जरिए कही। बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली अरबों डॉलर की मदद रोक दी थी। अमेरिका ने इस पर जवाब देते हुए बताया था कि पाकिस्तान की सहायता राशि इसलिए रोकी गई क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सीमा के भीतर आतंकवादियों को पनपने से रोकने में नाकाम रहा है। अमेरिका हर साल पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर की सहायता राशि देता आ रहा था, लेकिन इस बार ट्रंप प्रशासन के आदेश पर यह सहायता राशि रोक दी गई और पाकिस्तान को पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं।